हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी गौरव है और आज हम लोग बात करेंगे सिप्पी कुमारी जी के बारे में। ये हमारी पेशेंट हैं, इनका घर कुनकुन है, पटना में रहती हैं। ये इनको अपने बाएं घुटने में इंजरी हुई थी नवंबर 2022 में और जिसके लिए इलाज के लिए हमारे पास आई थी जनवरी में। जब घुटना इनका पहले इनसे हम लोग सुनते हैं कि इनकी क्या कहानी है। सिप्पी, हाय, मेरा नाम सिम्पी कुमारी है और 29 नवंबर 2022 को हमारा स्कूटी से मैं गिर गई थी, तो नी जो हमारा है वो उतर गया था और ACL प्लस PCL लिगामेंट टूट गया था। तो उस टाइम तो सर के बारे में हमें मालूम नहीं था, बट जब सर के बारे में मालूम हुआ तो सर ने हमें बताया कि ये मतलब बन सकता है और इसका सर्जरी मतलब कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आई सर के पास, सर से मिली, सर ने सजेशन दिया। उसके बाद मैं सर से 15 फरवरी 2023 को सर ऑपरेशन किए, दोनों लिगामेंट एक साथ बनाए और अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और मुझे चलने फिरने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नॉर्मली चल फिर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने सुना कि सिम्पी कुमारी जी का एक्सीडेंट हुआ था नवंबर में। जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो इनको नी डिसलोकेट कर गया था, कंप्लीट डिसलोकेशन था नी का, और जिसको इमीडिएटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे तरीके से बैठा दिया गया था और इमोबिलाइज कर दिया गया था। ये जब मेरे पास जनवरी में आई थी, 25 जनवरी को, तो इनका घुटना 0 से लेकर 95 डिग्री तक ही मुड़ता था और घुटना काफ़ी अनस्टेबल था, क्योंकि दोनों लिगामेंट इनका ACL और PCL टूट चुका था, तो घुटने में स्टेबिलिटी कुछ बची नहीं थी और घुटना काफ़ी ढीला था, चलने फिरने में भी इंस्टेबिलिटी लगती थी। हम लोगों ने जब एग्जामिन किया तो पाया कि ACL का कंप्लीट टीयर, PCL का कंप्लीट टीयर और इनिशियल MCL का कुछ पार्शियल टीयर था। हमारा इनिशियल प्लान था कि इन्हें फिजियोथेरेपी करा के जो 95 डिग्री मूवमेंट है उसको कुछ पहले बढ़ा दिया जाए और उसके बाद सर्जरी की जाए। सर्जरी इनकी हम लोगों ने मिड फरवरी में की। ये पूरी सर्जरी आर्थ्रोस्कोपिक तरीके से की गई दूरबीन के द्वारा। पहले PCL लिगामेंट बनाया गया और उसके बाद तुरंत ही ACL लिगामेंट बना दिया गया। दोनों लिगामेंट सिंगल सर्जरी में ही कर दी गई और उसके बाद फिर इन्हें हम लोगों ने ब्रेस पर रख के घर भेज दिया। 3 दिन ये हॉस्पिटल में नहीं, फिर ये घर चले गए। 2 हफ्ते तक इनका टाका कटा, जिसमें पैर इनका थोड़ा हम लोगों ने डेंटल एक्सरसाइज शुरू कराया था और करीब 3 हफ्ते के बाद हम लोगों ने इनका एक्सरसाइज का जो मार्किंग से उसको बढ़ा दिया। करीब 1.5 महीने के बाद इन्होंने फिजियोथेरेपी कराना शुरू की। आज ऑलमोस्ट इनका 100 डिग्री के आसपास फ्लेक्शन हो रहा है, ये पेनलेस है, घुटने में कोई दर्द नहीं है, घुटना इनका काफ़ी अच्छा स्टेबल हो चुका है, बंधा हुआ है और ये ऑलमोस्ट सारा काम सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, गाड़ी पे चढ़ना उतरना, रिक्शा पे चढ़ना उतरना सारा काम कर पा रही है। एज सच किसी तकलीफ में भी नहीं है। इनकी फिजियोथेरेपी अभी जारी है और होपफुली 6 मंथ्स होते होते ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएंगे। तो सिम्पी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप कि आप आगे फिजियो करा के बेहतर फील करें। मैं सर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि सर के जो उम्मीदें हमने खो चुकी थी कि सर वो हमारा पैर अगर पहले जैसा हो पाएगा या नहीं, बट मैं बहुत सर से सर्जरी करा के और सर का वो ट्रीटमेंट लेके मैं बहुत खुश हूँ।